साथियों नमस्कार। इस प्रकार की घटना आप तक पहुंचाने के दो मकसद है। सबसे पहले तो मैं आपको घटना की जानकारी दे दूं। जैसा कि थाना अधिकारी बाबूलाल जी विश्नोई ने बताया, कल शाम 11:30 से 12 बजे के बीच में उनके पास एक कॉल आता है कि मारुड़ी गांव में स्कूल की चार दीवारी के अंदर एक पेड़ पर एक व्यक्ति ने अपनी आत्मलीला समाप्त कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे लेती है और फिर उसे मेडिकल कॉलेज बाड़मेर लेके आते हैं। वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जैसा बाबूलाल जी बताते हैं कि जैसा उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है, 2-3 दिन पहले ही घर पे आया था और सुथार का काम करता था। वो थोड़ा मानसिक टेंशन में लग रहा था 2-3 दिन से, और कल शाम उसने अपने मोबाइल के स्टेटस पे एक सैड सॉन्ग लगाया और सैड सॉन्ग लगाकर उसने अपने ही स्कूल के अंदर जो नीम का पेड़ था उस पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्मलीला समाप्त कर दी। बहुत ही दुखदीय घटना है साथियों। ऐसी घटना घटित होती है उस परिवार के लिए, इससे बड़ा दुख का दिन कौन सा होगा। पर यह सूचना हमारा आप तक पहुंचाना एक तो मोटिव, और दूसरा जो मैंने बोला था वो ये है कि आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके पास आसपास में कोई व्यक्ति आपको डिप्रेशन में लगे, जो आपको लगे कि भाई इस व्यक्ति को कुछ मानसिक टेंशन है, तो उसकी आप हेल्प कीजिएगा, उसको आप मोटिवेट कीजिएगा आपकी बातों से, आपके उदाहरण से, किसी भी प्रकार से आप मोटिव कर सकते हो ताकि वो बंदा कोई गलत कदम ना उठाए जैसा कि इस भाई ने उठाया। आगे आप सुनिए ग्रामीण थाना अधिकारी बाबूलाल जी विश्नोई क्या कहते हैं, और मैं आपको एक इससे जुड़ी और बात है वो भी साझा कर दूं कि ये सिर्फ महज 3 दिन पहले अपने घर पर आए। सुआई राम पुत्र काना राम जो लकड़ी का काम करता था और महज 3 दिन पहले ही ये अपने गांव लौटा था, और लौटने के बाद 2-3 दिन से ये डिप्रेशन से गुजर रहा था, और कल रात इसने अपने मोबाइल के स्टेटस पर एक सैड सॉन्ग लगाकर फिर अपनी इस गांव की स्कूल के अंदर जाकर नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्मलीला समाप्त कर दी। बहुत ही दुखदीय घटना है साथियों। जीने के कई तरीके हैं, कई वजह हो सकती है, फिर भी ऐसा कदम, आप सभी से निवेदन है कि आसपास में यदि कोई आपके आसपास में डिप्रेशन में गुजर रहा व्यक्ति हो तो उसकी आप मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा और उसे ऐसा कदम उठाने से रोकिएगा। रात्रि को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली कि मारुड़ी गांव में सरकारी स्कूल की चार दीवारी के अंदर एक लड़के ने पेड़ के ऊपर फांसी से आत्महत्या कर ली, जिस पर मौके पे गए परिजन वहाँ मौके पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उस युवक को पेड़ से नीचे उतार कर हॉस्पिटल लाए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। उनकी बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी, अभी परिजन मौजूद है, रिपोर्ट दी है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घरवाले बता रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से ये मानसिक तनाव में था, दूसरा तो कोई कारण बताया नहीं, मानसिक तनाव के मद्देनज़र इसने सुसाइड किया है। जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।